बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर जुनैर। अच्छा, ये आसिम भाई हैं, फैसलाबाद से ही हैं। ये आज 4 महीने इनका रिज़ल्ट हो गया। इनका हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया था, 4500 से अबव हमने इनके ग्राफ्ट्स लगाए थे। तो 4 मंथ बाद ये हमें चेक करवाने आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। तो अभी 4 मंथ में, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 4 मंथ में 40% तक बाल आते हैं। फुल रिज़ल्ट आपका 1 साल में आता है। 6 माह में आपके 70% तक बाल आ जाते हैं, लेकिन 1 साल लगता है पूरा 100% हेयर ट्रांसप्लांट किए हुए बालों को मुकम्मल उगने में। तो 4 मंथ का रिज़ल्ट हम आपको दिखा देते हैं। थोड़ा सा आप ये क्लोज ले आएँ तो हम आपको दिखाते हैं 4 मंथ का रिज़ल्ट कितना है। आप देख सकते हैं ये भी रूट्स इनकी फील हो रही हैं कि यहाँ से निकल रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला जब ये 2-3 माह बाद हमें दोबारा चेक करवाने आएंगे तो हम आपको दोबारा दिखाएंगे इनका रिज़ल्ट, ठीक है। और आसम भाई, आप अपने रिज़ल्ट से मुतमिन हैं 4 महीने के? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है मेरा और काफ़ी मुतमिन हूँ मैं कि गंजपन भी मेरा काफ़ी कम हुआ है पहले से, तो इंशाल्लाह ताला आगे भी बेहतर निकलेंगे एक्सपीरियंस। इनका थोड़ा सा मुझसे पूछेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट में आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम, कोई है पेन वगैरह प्रोसीजर के दौरान या प्रोसीजर के बाद किसी किस्म की कोई पेन तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल किसी किस्म की पेन नहीं होती। एक बड़ा सिंपल प्रोसीजर है, आपका पूरा वो कर देते हैं एनेस्थीसिया से ना, कि फिर आपको बिल्कुल पेन नहीं महसूस होती। तो थोड़ा सा लंबा होता है प्रोसीजर पर पेनलेस होता है, आपको उसके बाद भी पेन नहीं महसूस होती। बस आपको कुछ प्रिकॉशंस करने होते हैं तो फिर आपका बिल्कुल ठीक रहता है। इसमें यह होता है कि 2 से 3 दिन आपको सीधे सोना होता है और अपनी केयर करनी होती है, डस्ट से बचाना होता है, और इसमें किसी किस्म की कोई पेन नहीं प्रोसीजर के दौरान भी और प्रोसीजर के बाद भी। लोग कहते हैं कि स्वेलिंग हो जाएगी, अगर थोड़ी बहुत स्वेलिंग भी हो जाए वो नॉर्मल है, क्योंकि जहाँ भी कोई थोड़ा ज़ख्म होता है स्वेलिंग एक नेचुरल है। अगर थोड़ी स्वेलिंग हो भी जाए तो कोई इसका घबराने की चीज़ नहीं होती कि शायद कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई, स्वेलिंग इज़ नॉर्मल। अगर आपकी थोड़ी स्वेलिंग होती है तो हमने स्वेलिंग के लिए आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की होती है, तो इस चीज़ से आपने घबराना नहीं है। और ये थी हमारी आज की वीडियो। जब इनका फुल रिज़ल्ट आ जाएगा तब भी हम इंशाल्लाह ताला आपको इनका पूरा रिज़ल्ट की भी वीडियो दिखाएँगे। अल्लाह हाफिज़।